पुलिस ने न्याय नहीं दिया तो धरने पर परिवार के साथ बैठी महिला। मटेरा पुलिस पर विपक्षियों से साठगांठ करने का आरोप। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मटेरा के असवा मोहम्मदपुर गांव निवासी एक महिला के पुत्र को बहला फुसला कर जमीन का बहनामा करा लिया गया। महिला की सजगता से दाखिल खारिज रुक गया है, लेकिन पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से उसके मकान के सामने दबंग निर्माण कराकर पूरी तरह से रास्ता बंद कर रहे हैं। जिले के मटेरा थाना क्षेत्र के असवा मोहम्मदपुर गांव निवासी सुशीला देवी पत्नी राम निवास शनिवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। इसके बाद महिला अपने 5 बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई। महिला का कहना है कि घाटा संख्या 1907 की कब्जेदार है। महिला ने बताया कि गांव निवासी दबंग हनी उर्फ दयाराम पुत्र बिरजा ने बड़े पुत्र दीप चंद पुत्र राम निवास को बहला फुसला कर नशीला पदार्थ खिलाकर बिना किसी बंटवारे की ही जमीन का बहनामा करवा लिया। जब बेटे को होश आया तो उसने घर पहुंचकर बताया। तहसील पहुंचने पर जमीन का बहनामा होने की जानकारी हुई। इस पर महिला ने दाखिल खारिज पर रोक लगवा दी, लेकिन दयाराम महिला के मकान के सामने से जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे महिला समेत अन्य लोगों का रास्ता बंद हो रहा है। मटेरा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपशब्द कहते हुए भगा दिया। परेशान महिला ने डीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार के साथ धरना शुरू कर दिया है। धूप में महिला बच्चों के साथ न्याय के लिए बैठी हुई है। महिला का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। माता जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से आई हुई है? असवा मोहम्मदपुर से। क्या मामला, आप यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर आई हुई है, क्या मामला है? खेत के। क्या खेत का क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। आगे आगे उन्होंने लिखवा लिया, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। किन्होंने लिखवा लिया? हन्नी धोबी। इसकी सूचना आपने कहीं इससे पहले दी? सब कहूँ दिया, कहूँ सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगी? यही मर जाएंगे। एफटी लाइव के लिए संवाददाता अनुज जायसवाल की रिपोर्ट।